हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आज के सेशन में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, एक बहुत समस्या आ रही है और इस समस्या का समाधान आप देखेंगे यूपी कैडेट काउंसलिंग, इसका क्या करें। बार बार यही आ रहा है, आखिर ये है क्या जो इस प्रकार से ये आपको ये दिख रहा है, ये बार बार क्यों आ रहा है, एक ही समस्या बार बार क्यों आ रही है, इस चीज़ को थोड़ा सा समझेंगे और देखेंगे, इस पर विचार करेंगे। क्या ये सबके में बार बार आ रहा है या फिर सिर्फ हमारे में आ रहा है, तो इसको देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे साइड में, जब आप 500 रुपये की फीस कटाते हैं उसके बाद काउंसलिंग करते हैं, जब आप तो 500 रुपये पहले फीस कटा दिए, उसके बाद आपको क्या करना रहता है कि जो यूनिवर्सिटी हमको चाहिए उसका प्रेफरेंस भरा जाता है। जैसे यहाँ पर आपने ज़्यादा रैंक है तो इनका ऐसे पेड सीट, फ्री सीट, पहले ऊपर फ्री भरा गया है फिर पेड भरा गया है, तो ऐसे आप अपना फिल करते हैं, फिल करके आप सेव करते हैं, सेव करने के बाद आप आई एग्री करके इसको लॉक करते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस आपका लॉक हो गया। जब लॉक होता है तो आपको इस प्रकार से वेबसाइट पे आता है, कहता है कि आप लॉक करने वाले हैं, अगर लॉक करते हैं तो आपको आगे कोई चेंजमेंट, कोई बदलाव, परिवर्तन नहीं हो सकता है। ठीक है सर, हमको नहीं परिवर्तन करना है, हमारी रैंक जैसी है वैसी सीट हमको मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा था योर चॉइस हैज बीन लॉक्ड सक्सेसफुली, आपका जो चॉइस फीलिंग है ये आपका लॉक कर दिया जा रहा है, अब आप इसमें कुछ नहीं छेड़छाड़ कर सकते। अब इसके बाद आप एक काम कर सकते हैं, ये लॉक हो गया, इसका आपको एक पीडीएफ निकालना होता है, यहाँ से आपको एक पीडीएफ प्रिंट करना होता है, और ये पीडीएफ निकाल करके नीचे आपको देखेंगे, पीडीएफ निकाल करके इसको यहाँ पर लिखा है, देखिए इसके जस्ट नीचे क्लिक हियर टू अपलोड सीट चॉइस लेटर। ये कौन सा लेटर है जो अभी आपने चॉइस फिलिंग किया है, जो अभी आपने चॉइस फिलिंग किया है उसी का ये जो लेटर है ये अपलोड करना है, ठीक है। अब आपको अपलोड करना है, कैसे करेंगे, तो जब आप अपलोड करेंगे पीडीएफ तो पीडीएफ के नीचे जस्ट लास्ट में बिल्कुल आएंगे तो यहाँ पर डेट दे रहा है, फिर आपको सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर कौन सा करना है, जैसा आपने एप्लीकेशन फॉर्म में किया है ठीक वैसे आपको सिग्नेचर यहाँ पर करके हस्ताक्षर एवं दिनांक, हस्ताक्षर एवं दिनांक इस प्रकार से करके आपको तब ये पीडीएफ अपलोड करना है, ठीक है। अपलोड कहाँ करना है, अपलोड कहाँ पर करना है, कैसे करना है, देखिए यहाँ पर लिखा है क्लिक हियर टू अपलोड सीट चॉइस लेटर। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से फॉर्मेट आपका ओपन होकर के आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से फॉर्मेट आपका ओपन होकर के आ जाता है, प्लीज़ अपलोड फाइल इन पीडीएफ ओनली, ठीक है। ये सिर्फ पीडीएफ में आपको फोटो खींच लीजिए या स्कैन कर लीजिए, उसका पीडीएफ बना करके और अपलोड कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर जो डेट दिया है प्रिंट डेट, जिस दिन आपका प्रिंट हुआ है, कैसे पता चलेगा आपको प्रिंट किस दिन हुआ है, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है 17/7/2024, और इस दिन आप अपना प्रिंट का जो डेट है इसमें सेलेक्ट करके, जिस दिन का प्रिंट है नीचे दिया हुआ है उसको आप इसमें सेलेक्ट करके, चलिए अब आपको सेलेक्ट करके अपलोड पर क्लिक करना है। नीचे आपको ग्रीन कलर में लिखा है फाइल अपलोड सक्सेसफुली। अब ये अपलोड हो गया, कैसे होगा या नहीं होगा, हुआ है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए आपको कैसे, यहाँ पर देखिए लिखा है फाइल अपलोडेड डिटेल्स, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो व्यू फाइल पर आपका जो पीडीएफ अपलोड किया है सीट चॉइस लेटर वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब ये बार बार क्यों आ रहा है, और फर्स्ट काउंसलिंग में सर हमने भरा था, ठीक है, सेकंड काउंसलिंग में ये गायब हो गया है, सेकंड काउंसलिंग में सर हमने भरा है, फर्स्ट काउंसलिंग वाला गायब हो गया है, तो ये यूपी कैटेट वाले मनमानी कर रहे हैं। जितने भी आपने सीट च्वाइस लॉक किया है सबका सेटअप एक बना करके पीडीएफ अपने पास सेव रख के रहिए, क्यों, क्योंकि जब आपके रैंक पे ये सीटें नहीं मिली हैं, आपका रैंक उतना है, सीट नहीं मिली आपको, उससे आगे वाले को सीट मिल गई है, उस पर आप इनके ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं, उनसे आप इनसे जवाब मांग सकते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं, इसीलिए ये सब डिलीट कर देना है वहां से। बात यही है कि जब इसमें धांधली कर रहे हैं तो इसको ये उठा करके डिलीट कर देना है, तो ये बार बार तो आएगा ही,
सेकेंड काउंसलिंग की बात, सेकेंड काउंसलिंग में हमारे पास मैसेज आता है कि सर हमने सीट वाइज लॉक पीडीएफ अपलोड किया था, ये गायब हो गया है। इसका मतलब आपको सीट नहीं दिया गया है, तो यहाँ से गायब कर दिया गया है, लेकिन आप अपने पास प्रूफ रखे रहिए। सीट आपको देना पड़ेगा, सीट उनको आपको देना पड़ेगा, बस आप ये रखे रहिएगा, यही तो प्रूफ होता है। ये नीचे सिग्नेचर और डेट और आईपी एड्रेस, ये सारा विथ एविडेंस है आपका। ये जो छोटा सा आईपी एड्रेस है इसको आप हल्के मत लीजिएगा, ठीक है? तो इसलिए ये बार बार आ रहा है, तो इस पर आप ध्यान रखेंगे, ये बार बार इसीलिए आ रहा है। जब ये लोग डिलीट कर देना है तो ये बार बार आएगा ही अपलोड करने के लिए, फिर बाद में कहेंगे आपने पीडीएफ नहीं अपलोड किया। जब हमने अपलोड किया था तब यहाँ पर व्यू फाइल दिखा रहा था, स्क्रीनशॉट सब लेके इसका जब अपलोड करेंगे तो एक आपको रसीद मिलता है। जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड जैसे नहीं करते हैं रिसिप्ट, वैसे मिलता है, तो आप इसको रखे रहिएगा संभाल करके, ठीक है? तो बस आगे अगर कोई इशू आ रही है तो आप हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो करके क्वेश्चन आप अपना पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।